चलिए बनाते हैं आज एक लौकी की बहुत ही जबरदस्त रेसिपी, लौकी की भुजिया। इसके लिए हमें लौकी ले लेना, लौकी को छील लेना है पहले। हमने छील लिया, छील करके धो लिया है। अब इसको हम बारीक बारीक काट लेंगे, पहले चाकू से ही काट लेंगे, हमें जो है कद्दूकस नहीं यूज करना है। लौकी हमारी कट गई है, अब इसको हम उबाइल करने के लिए रख देंगे कुकर में। 4-5 सीटी आने तक उबालेंगे इसको पानी में डाल के। लौकी हमने उबाल लिया है, लौकी का सारा एक्स्ट्रा पानी हमने निकाल दिया, बस हल्का सा पानी रह गया है, ऐसे ही निकालना है। और तड़के के लिए हमने ले लिया है ये हरी मिर्च 4-5 है, लहसुन की कलियां हैं 2-3, और ये जीरा है। और कढ़ाई में हमने ऑयल डाल रखा है, अब पहले हम जीरा डाल देंगे। जीरा डालकर चटकने तक वेट करेंगे इसका। जीरा चटक गया है, इसमें हम लहसुन और मिर्च डाल देंगे। तेल इसमें बहुत ही कम डालना है, तेल ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि ये सूखी सब्जी है और एक तो घिया है, तो घिया ऑयल नहीं सोखता है बिल्कुल भी, तो तेल हमें कम ही रखना है, ज़्यादा नहीं रखना। तड़का हमारा रेडी हो गया है, अब इसमें हम डाल देंगे ये जो हमने घिया उबाल रखा है, लौकी सारा डाल देंगे। इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, नमक बहुत ही हल्का पड़ता है इसमें, ज़्यादा नमक अच्छा नहीं लगेगा। देखिए दोस्तों, पानी सूख रहा है, तब इसको हम थोड़ा थोड़ा ऐसे हल्के हाथ से दबा देंगे, ज़्यादा नहीं दबाएंगे। पानी हमारा सूख गया है, बिल्कुल सब्जी रेडी है। इसमें पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, नहीं तो सब्जी आपको खाने में अच्छी नहीं लगेगी, फिर पनीर ही पनीर लगेगी। इसलिए जब बिल्कुल ही पानी सूख जाए तभी आपकी सब्जी समझ लो कि रेडी है। तो जैसे कि इसमें देख रहे हैं पानी बिल्कुल सूख गया, अब हम इसको एक सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। देखिए सब्जी हमारी बिल्कुल बनके रेडी है, कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। रेसिपी हमारी पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब मत भूलिए। थैंक यू, बाय बाय।